सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। भारत च पहली बार AI का इस्तेमाल, हिंदी च भाषण दे रहे PM मोदी, लगातार तमिल च हो रहा अनुवाद। PM मोदी ने अपना काफिला रुकवा के एंबुलेंस नूं दिता रस्ता, वीडियो हुई वायरल, PM दा स्वागत करने लई लोग वड्डी गिनती च पहुंचे। रघुराम राजन ने 1984 दे सिख विरोधी दंगियां नूं लैके दिता वड्डा बयान, सिख दंगियां नूं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या नाल जोड़िया, कांग्रेस पार्टी ने उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी विच काशी तमिल संगम विच अपने भाषण विच एक नवा प्रयोग किया। इस दे नाल ही आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस भाषणी की वरतों उन्हां दे भाषण नूं तमिल विच अनुवाद करन लई कीती गई सी। लोकां ने इस दा स्वागत किया। इस प्रयोग बारे PM मोदी ने कहा कि अज्ज ते आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस राही तकनीक की नवी वरतों हुई है, एक नवी शुरुआत है, उम्मीद है कि यह मेरे लिए तुहाडे तक पहुँचना आसान बना देगा। PM ने कहा कि तमिलनाडु तो काशी आने का मतलब है महादेव के घर तो दूजे घर आना, तमिलनाडु तो काशी आने का मतलब मदुराई मीनाक्षी के स्थान तो काशी विशाला काशी के स्थान पर आना है। महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना, तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुराई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। मुझे विश्वास है काशी के लोग आप सभी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन दौरे लिए काशी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी हवाई सेना के विशेष जहाज राही लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे ते पहुंचे। इस तो बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग तो सीधा मिनट हाउस स्थित छोटा कटिंग मेमोरियल लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने रोड शो कढ़िया जिथे PM का स्वागत करने लिए वड्डी गिनती च लोग पहुंचे हुए सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो दौरान प्रधानमंत्री का काफिला भी रवाना होया। दरअसल जदों प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वाराणसी हवाई अड्डे तो गुजर रहा सी तां एक एंबूलेंस उन्होंने बेड़े ते पहुंच गई। प्रधानमंत्री नूं जिवें ही इहदी सूचना मिली तां उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मचारियों नूं निर्देश दिते ते एंबूलेंस नूं पास देण लई कहा। हुण तक मिली जानकारी मुताबिक यह मामला वाराणसी के शिवपुर इलाके का दस्या जा रहा। सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए एंबूलेंस नूं फ्लीट के बिल्कुल कोल का रस्ता दिता, जिस कारण एंबूलेंस की गड्डी आसानी नाल लंघ सकी। रघुराम राजन वालों 1984 के सिख विरोधी दंगियां नूं लैके वड्डा बयान दिता गया, जिसकी सोशल मीडिया से काफ़ी चर्चा हो रही है। हाल ही में रिजर्व बैंक के सबका गवर्नर रघुराम राजन का एक विवादित बयान वाला वीडियो वायरल होया, जिस 1984 के सिख विरोधी दंगियां नूं उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्होंने बॉडीगार्ड्स वालों की गई हत्या नाल जोड़ रहे हैं। इस बयान ने गर्म बहस छेड़ दी है। आलोचकों ने राजन के दंगियां च कांग्रेस पार्टी की शमूलियत नूं नज़रअंदाज करन ते उन्हां दे फैसले की भरोसे योग्यता से सवाल उठाने का दोष लाया। दस दिए कि 31 अक्टूबर 1984 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्होंने अंग रक्षकों वालों हत्या कर दी गई थी, जिस तो बाद सिख भाईचारे विरुद्ध व्यापक हिंसा भड़क गई। कथित तौर पर सियासी हस्तियों वालों भड़काई गई भीड़ ने दिल्ली के देश के होर हिस्सों च सिखा निशाना बनाया, जिसके नतीजे वजो थां थां भयानक कतलेआम हुई।
IGI हवाई अड्डे ते कस्टम विभाग ने ताशकंद तो एक यात्री द्वारा लियांदे गए 4684 ग्राम वजन दियां 12 सोने दियां चेना जब्त कीतियां ने जिन्हां दी कीमत 2.78 करोड़ रुपए यात्री नूं कस्टम एक्ट 1962 दे तहत गिरफ्तार किया गया सी ते अगलेरी जांच जारी है। केरल विच कोविड कारण दो लोगों की मौत हो गई है जिस नाल देश विच एक बार फिर कोरोना वायरस का डर फैल गया। पिछले कुछ दिनों विच केरल विच कोविड कारण दो लोगों की जान चली गई जिस तों बाद सेहत विभाग ने सूबे भर विच वायरस नूं लैके अलर्ट जारी किया। एना ही नहीं कर्नाटक ते तमिलनाडु वर्गे गवांडी राज्यां विच भी सेहत विभाग हरकत विच आ गया है ते हस्पतालां नूं अलर्ट मोड ते रख्या गया है। एक रिपोर्ट दे अनुसार मरन वालियां विच कोझीकोड जिले दे बटौली दे 70 साला काली यटू पर कुमारन अते कनूर जिले दे पनूर दे 82 साला पलकंडी अब्दुल्ला शामिल ने। कुमारन दी मौत तो बाद एक लैब टेस्ट ने पुष्टि की कि कोविड उसकी मौत का कारण सी। अब्दुल्ला दी कोझीकोड दे एक निजी हस्पताल च खंग ते सांह लैण विच दिक्कत दा इलाज दौरान मौत। सन 1971 विच भारत पाकिस्तान जंग विच पुल मोरा पोस्ट ते शहीद होए जवानां नूं श्रद्धांजलि देण लई रखे गए समागम विच शमूलियत करन पहुंचे रिटायर्ड अधिकारियां वल्लों शहीद जवानां दी यादगार ते श्रद्धा दे फुल भेंट करके उन्हां नूं श्रद्धांजलि दित्ती गई। इस मौके रिटायर्ड लैफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार शर्मा ने दस्सिया कि 1971 दी जंग मौके बड़े शॉर्ट नोटिस ते इस जंग विच 40 जवानां वल्लों इस पोस्ट ते कब्जा कीता गया ते अपने ते होए 5 काउंटर अटैक नूं रिफल कीता। इस जंग दियां 3 गल्लां बहुत महत्वपूर्ण सन जिस विच पहली लांस नायक ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਐਨਐਸ ਕੌਕ ਦੀ ਸਟੇਜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਸੀ? 9 ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਿੱਖ ਦੇ 9 ਸੀਗੇ। तरन तारण के हलका विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल वालों वार्ड नंबर 10 मुरादपुर दियां वख-वख गलियां सड़कां ते पार्कां दा नवीनीकरण दा काम शुरू किया गया। उद्घाटन करन समय हलका विधायक ने दस्सिया कि हलके दे विकास विच कोई कसर नहीं छड्डी जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां गलियां सड़कां ते पार्कां दे नवीनीकरण ते तकरीबन 25 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इलाका वासियां ने दस्सिया कि हलका विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल ने मुरादपुर विच जंगी पद्धर ते विकास करा के इलाके दे लोगों नूं एक नवा जीवन दिता। कुरुक्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय गीता महाउत्सव 2023 पवित्र ग्रंथ गीता की महाआरती ते महापूजा ते गीता दे पाठां दे विचकार शुरू होया। इस दी शुरुआत नाल ही पवित्र ग्रंथ गीता दीआं बाणियां दे पाठ नाल ब्रह्म सरोवर दे आले दुआले दा सारा माहौल इलाही बन गया। प्रधान जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने पवित्र ग्रंथ गीता का पाठ किया। महाआरती अते महापूजा करके 17 दसंबर तो 24 दसंबर तक चलन वाले अंतरराष्ट्रीय गीता महाउत्सव 2023 का रस्मी उद्घाटन ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤਾ ਮਹਾਉਤਸਵ 2023 ਲਈ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਛੱਕ ਕੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਗੀਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੀਤਾ ਮਹਾਆਰਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਚਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਨਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੇਦਪਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਗੀਤਾ ਦੀ ਮਹਾਆਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਪੂਜਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਤਾਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੱਸਿਆ।
अकाल पुरख की फौज के मुखी जसविंदर सिंह एडवोकेट ने दसिया कि पिछले कई सालों तो अकाल पुरख की फौज वालों साहबजादे नूं समर्पित समागम किए जा रहे हैं ताकि नौजवान बच्चों सिख इतिहास के अमीर विरसे जोड़िया जा सके। इस लड़ी तहत अकाल पुरख की फौज वालों साहबजादिया समर्पित शहीदी पंद्रवाड़े में वड्डे प्रोग्राम किए जाते हैं। उन्होंने दसिया है कि साडा विरसा साडा परिवार समागम 25 दिसंबर सवेरे 9 बजे स्थान सकत्री बाग चाटीविंड चौंक अमृतसर विखे कराया जा रहा है, जिस विच वड्डी गिनती विच बच्चे हिस्सा लैण। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दी वल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।